सुनी भी होगी, तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि नवीन जी ने विश्व वुड्स को चुना, उनके स्टूडेंट्स को चुना कि मैंने ये जो अपनी रचना की है इसका वीडियो अगर आपके स्टूडेंट्स बना सकें तो बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े लीजेंड लुटर्स का वीडियो बनाना आसान नहीं, और मुझे भी देख के अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने अच्छा बनाया है। सर आपको भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो आप कुछ अभी सवाल करना चाहें इस मौके पर, क्योंकि शुभ अवसर है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप यंग टैलेंट को पहचानने के लिए जाने जाते हो, तो आप नवीन जी से कब मिले और उनके टैलेंट को कब पहचाने? नवीन जी के टैलेंट को जब से हम पैदा हुए तब से जानते हैं, हमने कब से पहचाने? नवीन जी की जो कितने साल हो गए सर? बहुत इतने साल, अनगिनत साल हो गए। इनकी ध्वनि तो देखिए साउथ से लेकर उत्तर भारत, उत्तर भारत तक आई, फिर हमारे पास आए, तो संगीतकारों ने इनको आगे बिछाया इनके लिए बिस्तर पे, आओ हमारे फिल्म म्यूजिक दो। और कौन कौन से ऐसे म्यूजिक कंपोजर हैं जिसको कि इनका फैन नहीं है या इनका योगदान उनके काम में नहीं है? अच्छी बात, तो ये एक बहुत ही प्रधान तरीके से गुणीजन हैं हमारे और हम इनका आदर करते हैं। तो मैं कौन होता हूँ टैलेंट को जानने वाला, मैं तो इनका खुद का फैन हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस प्लेजेंट टाइम। आई एम नथिंग बिफोर देम बेसिकली, यू नो, लाइक आई एम ए सिंपल म्यूजिशियन एंड दे हैव रिकॉग्नाइज्ड माय टैलेंट एंड दे हैव एनकरेजिंग, सो दिस इज माय डे आई कैन से। आगे वाले आने वाली फिल्मों में क्या नवीन जी को लेकर कोई फिल्म बनाने का प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है? हमारी कोई फिल्म बन ही नहीं सकती बिना नवीन जी के, क्योंकि हर फिल्म में अच्छा संगीत चाहिए, अच्छे म्यूजिशियन चाहिए, अच्छे गुणीजन लोग चाहिए, सबको चाहिए, हम सबको चाहिए। तो नवीन जी के लिए तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी भी है, जो फ्लूट बजेगी वो तो कम से कम अच्छी बजेगी। प्यारे जी आप जरा नवीन जी के बारे में कुछ बोलेंगे। नवीन जी के बारे में इतनी बातें हैं बोलने के लिए, क्योंकि संगीत के अंदर इन्होंने जो चीज़ पेश किया है, इनके जो रियाज किया है, इन्होंने इस चीज़ के पाने के लिए हर एक देश के म्यूजिक को सुन के, फोक म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल, सिम्फनी, हर एक धुनों को सुन के और उसको फ्लूट के अंदर इतने सही ढंग से लेना, ये कुछ खेल नहीं है, ये सिर्फ नवीन जी कर सकते हैं। और नवीन जी ने जो किया है और आज मुझे देखा भी है जो आप लोगों ने काम किया है, एक्सीलेंट वर्क। मुझे ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि अच्छे संगीत को आज लोग चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे संगीत आए, और नवीन जी के साथ हम लोग हमेशा हैं। नवीन जी का प्यार जो हमारे लिए है और हमारा प्यार उनके लिए हमेशा रहेगा। आप इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं, जो संगीत का दौर है वह आज के समय से और आज कितना बदला है, और अगर बदला है तो उसमें कितनी खामियां आई हैं या फिर कितनी खूबियां हैं? नहीं सुनिए, खामियां तो कभी होती नहीं है, आप समझिए ना, इसलिए कि समय के साथ हर एक चीज़ चेंज होती है, और जो आदमी चेंज नहीं होगा समय के साथ वो आदमी पीछे रह जाता है, और हमको पीछे रहना नहीं है। अगर हम कोई चीज़ समझते नहीं है आज के लैंग्वेज को या आज की सोच को, तो ये हमारी गलती है। हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए और हर एक चीज़ को आप अच्छी नज़र से ही देखिए, तो आप उसमें अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आपकी सोच ही बुरी है कि मैं इसमें क्या खामियों निकाल, जैसे आज मैं बैठा था तो मैं सिर्फ सोच रहा था क्या क्या काम किया इन्होंने, क्या क्या अच्छा, तो मैं आज आके मैंने कितनी चीज़ सीखी अरे लोगों से, जो आप लोगों ने भी काम किया है, जो इसको शूट किया है और जिस ढंग से बनाया है, क्या वर्क है, आप लोग समझते हैं? एक मैं देख रहा था हर एक पीसीस को, हर एक नोट्स को इस अच्छे ढंग से लेके और इतना अच्छा एडिट करना, जो वर्क किया है, एक्सलेंट वर्क। प्यारेलाल जी, आपने अपने टाइम में बहुत अच्छी म्यूजिक दिया, बहुत अच्छे गाने बनाए, अभी आपको अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर होता है करेंगे? आज टाइम अपना है, आप सुबह उठते हमारे गाने सुनते कि नहीं? वही है, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, भगवान अपने आप देता है, और हर एक चीज़ का वक्त होता है। और ये नहीं है कि आज हम आपको लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमने 56 ईयर्स काम किया है एज एन म्यूजिशियन वायलिनिस्ट, एज एन अरेंजर एंड कंपोजर, एज एन कंपोजर 36 ईयर्स, ऐसे सब करके उसके बाद अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा करके मतलब वर्ल्ड म्यूजिक है, और कुछ जैसे मैंने बात की थी सुभाष जी से भी कि आप इतना सब काम कर रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक के अंदर, हम सिम्फनी है, वेस्टर्न म्यूजिक है, बाहर के लोग हैं, तो समझिए साल में दो साल में हम एक टूर करते हैं, वहाँ के म्यूजिक कॉलेज हैं उसमें हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी चीज़ चार बात करते हैं तो आठ बातें उनसे हम लेते हैं, ये लाइफ है। आजकल के जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेलोडी चली गई है, जो पहले गाने नहीं, नहीं। अब नहीं बनते, लेकिन आप कह रहे हैं कि है उसका सुनिए, हर एक चीज़ का एक वे होता है। अब जैसे रॉक म्यूजिक है, ये बात मैं कर रहा हूँ आज कम से कम 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले, तो मुझे रॉक म्यूजिक पसंद नहीं आता था, तो मैंने लुई बैंक्स, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो लुई बैंक्स को मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने कहा कि मुझे रॉक म्यूजिक मालूम नहीं क्यों नहीं, मुझे सब अच्छा लगता है, मुझे जायज़ अच्छा लगता है, ये सब है, लेकिन रॉक का जब आता है तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको रॉक म्यूजिक भी अच्छा लगेगा, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं है, आपको सेकंड बीट जो है रिदम का, क्योंकि धीन तक ये चलता है, तो वन तक, तो रॉक म्यूजिक के अंदर जो सेकंड बीट है उसमें ज़्यादा जोर देते हैं हमेशा, और आप उसके अंदर आप सोचिए कि भाई वो जो सिंगर गा रहा है वो सेकंड बीट को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है, और लेफ्ट हैंड जो यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड और बेस गिटार, अभी मैं तो म्यूजिक की बात कर रहा हूँ इसलिए म्यूजिकली बात कर रहा हूँ, बेस गिटार लेफ्ट हैंड ये सब रॉक के अंदर बहुत चलता है। जब मैंने ये हुआ तो मैं जब सोचा मैंने, फिर मैंने क्या किया बोला और क्या मैं इसको और मैं इन्जॉय कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने तीन पैर विस्की ले ली, और तीन पैर विस्की पीने के बाद जब सुना तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। विस्की पीने के बाद तो कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, ये मन का भरम नहीं था कि ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, तीन पैर पिया था सिर्फ, अगर छह पैर पिया होते तो आप बोल सकते हैं उसमें क्या है? मैं सही जगह पे आ गया था, म्यूजिक कहीं भी हो आप सही जगह पे आ गए, सही जगह पे था। नहीं नहीं, जैसे सुभाष सर का ये इंस्टीट्यूट है और हम आप पिछली जनरेशन ने या हम लोगों ने आपके गानों से सुन के बहुत कुछ सीखा है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मेरा भी कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ और बच्चे आए वो सीखे आपसे म्यूजिक सीखे? बिल्कुल दिल में है, लेकिन जो चीज सुभाष जी ने की है, इवन मिस्टर रहमान जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है, और रहमान जी के लिए मुझे खास ये बात कहनी है कि एज ए म्यूजिशियन कंपोजर तो हैं ही अच्छे, वो तो पूरा वर्ल्ड जानते हैं, लेकिन मैं खुद म्यूजिशियन हूँ इसलिए मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि एज ए म्यूजिशियन उन्होंने इतनी चीज़ें लाई हैं, एज एन अरेंजर ऑल्सो, एज एन कंपोजर, और नई चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और उनका काम करने का ढंग जो है बहुत अच्छा है, और कभी मैं उनको ये देखा नहीं मैंने कि यहाँ वहाँ कुछ करें, समझे आप, हर एक चीज़ को बहुत सुधिंग और अच्छे से, और जैसा उनका नेचर है ऐसा उनका म्यूजिक है। नवीन जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहले कैसेट्स हुआ करती थी, सीडीज हुआ करती थी, लेकिन अब म्यूजिक ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है, तो इसका क्या बुरा असर पड़ा है म्यूजिक इंडस्ट्री में? डाउनलोडिंग म्यूजिक लाइक इट्स फ्री म्यूजिक, वन वे इट इज नाइस, वन वे इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, and one way it is loss for the musician, basically free downloading, you know. But what do you ask me, I didn't get you. मैंने आपसे पूछा कि अभी डाउनलोडिंग ज्यादा हो जाती है, हम म्यूजिक खरीद नहीं पाते या सीडीज नहीं खरीदते, कैसेट्स में वो तो बंदी हो गई, तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री पर? मैंने आपसे ये पूछा, ये तो जवाब दिया उन्होंने, सुनने वाले का फायदा है बजाने वाले का नुकसान है, यही तो कहा। और कुछ आपको ये जैसे फ्लूट के बारे में इतना आप सुना, 300 कहाँ से प्रेरणा मिली, कोई ऐसा वो पल बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे जहाँ से आपको प्रेरणा मिली, where you got inspired? Inspired, yeah, yeah. Actually, this I just took it from my dad used to play, and he just kept aside and
I just took that and started playing on it. And I don't know, it same came suddenly to me, and nobody taught me this. I'm a self-taught musician. And I have done diploma in vocal music as a vocalist in Andhra University School of Fine Arts. So gradually that thing came into me, and my parents also encouraged me to do more kind of thing. And also my dad gave Professor Samamurthy's book and all. So I used to read those things and started improvising on it, and I started my own flutes and manufactured it. And like that, I have just started my own flutes and started playing on it. Sir, एक अलग फलसी था, एक अलग सवाल है. जिस तरह से देश में तमाम चीजें चल रही हैं, अलग अवार्ड उठाए जा रहे हैं, नेशनल अवार्ड उठाने की बात चल रही है. एक तो आपने कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सरकार दे रही थी उसको आप लौटा रहे हो. आप नहीं, जितने भी फ्रेंडली लोग लौटा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं? ये सवाल अभी हम कोई जवाब नहीं देना चाहते. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.